हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने आज जेल में सजा काट रहे जेजेपी नेता अजय चौटाला से चेकिंग के दौरान एक मोबाइल बरामद होने पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि ये लोग देश के किसी कानून को नहीं मानते हैं। जेल के जो प्रिजनल एक्ट है ये लोग उन्हें भी नहीं मानते। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये तो अभी मोबाइल मिला है, अभी और न जाने क्या क्या मिलेगा। देखिए, ये लोग किसी देश के कानून को मानते नहीं है, जेल के कानून को मानते नहीं है, जो प्रिजनर्स एक्ट है उसको मानते नहीं है, और ये तो अभी मोबाइल मिला है, पता नहीं क्या क्या इनके पास से मिल सकता है। दुष्यंत चौटाला ने बयान दिया था कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष 5 साल पहले के सबसे बड़े अपराधी हैं। इस पर भी विज ने कड़े तेवर दिखाते हुए कहा कि ये बात कहने के लिए इन पर केस चलाया जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस द्वारा अमित शाह पर बनाए गए झूठे केस से वो कभी के बरी हो चुके हैं। इनके ऊपर ये बात कहने के लिए केस चलाया जा सकता है। अमित शाह के ऊपर एक भी केस नहीं है, जो कांग्रेस की सरकार ने झूठे केस किए थे उन सब से वो बरी हो चुके हैं। जेजेपी सुप्रीमो दुष्यंत चौटाला ने बयान दिया था कि भाजपा ने 75 सीटों का लक्ष्य रखा है, जबकि जेजेपी 75% युवाओं को रोजगार देने पर काम करेगी। दुष्यंत के इस बयान पर भी विज ने अपनी प्रतिक्रिया दी। और दुष्यंत चौटाला क्या बोलता है, हमको इससे क्या लेना देना, जिसको जनता ने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, 10 की 10 सीटों पर इनकी बुरी तरह से पिटाई हुई है, आप ये अपने बारे में सोचें, जो इन्होंने करना है इन्होंने, हमारे से क्या लेना देना है, हम क्या टारगेट रखे, हमारा किस तरीके से हम काम करें, ये हमारा काम है।